अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? व्यूअर्स, मैं इस वक्त अभी अभी छत पर आया हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे हाई फ्लैट्स खुले में, और एक गोला कबूतर कोई आके उतरा हुआ है। वो देखें व्यूअर्स कितना प्यारा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब करके। ये देखें व्यूअर्स, ये जो बिल्कुल ब्राउन कलर का उसका सर जो है वाइट हो रहा है। सो, अभी रेहान भाई भी नहीं है छत पर। लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा बहुत दाना वाना देता हूँ ताकि ये छत पे रहे। एक्चुअली हमारे हाई फ्लायर ओल्ड है जिस तरह से आप देख रहे हैं, और मैं रेहान भाई को भी बुलाता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिए। गोला कबूतर देखें कितना क्यूट है व्यूअर, माशाल्लाह से फुल ब्राउन है और वाइट कलर का इसका सर हो रहा है। अभी हम इसे पकड़ने की ट्राई करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने अभी इन्हें दाना डाला है और वो दाना तो खा रहा है, और रेहान भाई को भी बुलाया, बस रेहान भाई आ जाए तो हम इसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए हमारे हाई फ्लायर्स व्यूअर्स, सी ये देखा व्यूअर्स, ये आपको कैसा लग रहा है आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है, और ये होता तो वैसे गोला है टोली का, लेकिन ये मुझे टोली में इतना लड़ने वाला लग रहा नहीं है, या पता नहीं होगा शायद लड़ने वाला। खैर, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं और जो सीनियर हैं वो ही बता दीजिएगा, जब हम इसे पकड़ेंगे तो आप लोग हमें बता दीजिएगा हम इसे अपनी टोली में रखें या ये फैंसी टाइप का है, क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा फैंसी टाइप का है। ये देखें फुल ब्राउन एंड वाइट कलर का इसका हेड है। एक्चुअली आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और देखने में व्यूअर्स हमारे पास कलसी रहे कितने ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह से। तो चले मैं थोड़ा सा और दाना डाल दूँ इसे ताकि ये उड़े ना। आ देखिए व्यूअर्स, हमारे सारे हाई फ्लायर्स तो खा रहे हैं, लेकिन वो भी अब आ रहा है। वो देखें एक छोटा सा वाइल्ड पिजन का बेबी भी आया हुआ है। रेहान आराम से खोलना दरवाज़ा। रेहान भाई भी आ गए, कबूतर आया हुआ बहुत क्यूट सा। हाँ क्या ये चांद ने जो गया, ये जब मैं आया ना छत के ऊपर ये बैठा हुआ था पिंजरे से चिपक के। तो व्यूअर्स, अब रेहान भाई भी आ चुके हैं, अब तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उन लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अगर कबूतर खुले में हो दिन में तो कोई ना कोई कबूतर आके उतर जाता है, जिस तरह से ये आज हमारे पास उतर गया, ये वाइट सर्व वाला जोगिया। ये देखें व्यूवर्स, ये देख रहे हैं आप कैसा है ये तो सब अंदर चले आएंगे, ये भी चले आएगा अंदर शायद चले जाए। हाँ, ये गेट के पास चिपक के बैठा होता रहे। हाँ शिट यार, गलत मौके पे बंद हो गया, ये ऊपर जाने की तो नहीं कर रहा रहे। हाँ इसको देख के अंदर जाएगा भाई, गोला खोल दो, मैं तो कह रहा हूँ अपना है ना, क्योंकि अकेला बाहर रह गया। एक्चुअली व्यूअर्स, हमारे जो सारे हाई फ्लायर्स हैं वो ट्रेन हैं, वो दिन में खुले होते हैं, शाम के टाइम जब भी हम आते हैं छत पे केज के अंदर दाना डालते हैं तो वो फ़ौरन अंदर चले आते हैं। इस वजह से हमारे सारे कबूतर चले गए, और बस ये जो है ये ब्राउन वाला, ये ऊपर बैठ गया ध्यान, ये ब्राउन वाला बाहर रह गया। वो इस वजह से क्योंकि ये छत पर किसी और का आया हुआ है। तो अब हमने गोला कबूतर खोल दिए, बहरहाल हमने पहले ही बोल दिया था। ये ले इसमें रेहान, हाँ इसमें है थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा है। तो ये देखिए ऊपर बैठ गया वो, लेकिन हमारे गोला कबूतर खुल गया। अब जैसा व्यूअर्स मैंने आपको बताया, मेरी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। रेहान, वो हाई फ्लायर बाहर निकल रहे हैं। ये देखा व्यूअर्स, अब हमारे सब मसला हो गया, हमारे हाई फ्लायर्स भी मिक्स हो गए, बाहर निकल गए। एक्चुअली जब वो अंदर चले आते हैं तो हमें जो है
गेट को बंद करके रखना पड़ता, लेकिन हमने गेट बंद नहीं रखा था, जिसकी वजह से बहुत सारे हाई फ्लायर बाहर आ गए। वो देखें, रामपुरी भी ऊपर बैठी हुई है केज के, वो नीचे देख रही है, ये रामपुरी उतरी और ये हमारे गोला। वाओ माशाल्लाह, ये नीचे उतर गया, रहना गया। अच्छा व्यूअर्स, हम आपसे एक बात करना चाह रहे थे। यहाँ पर आप ये भी देखें, कबूतर जो हम पकड़ रहे हैं, ये बहुत प्यारा, बड़े दिन बाद आया हमारी छत पे कोई कबूतर, तो ये पिजन कैचिंग की वीडियो काफ़ी दिन बाद बन रही है। अच्छा, हम आपसे ये बात करना चाह रहे थे कि बहुत से हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि कबूतरों को भूखा रखते हैं, तो व्यूअर्स हम भूखा तो रखते हैं, दिन में एक दफ़ा दाना देते हैं। कोई भी कबूतर पालता है वो दिन में एक दफ़ा दाना देता है, हम भी शाम के टाइम दाना देते हैं जब इन्हें खोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम इसे भूखा रखते हैं, तो मतलब हम इन्हें खाना ही नहीं देते या दाना ही नहीं देते। जब हम इन्हें बंद कर रहे होते हैं उस टाइम हम इन्हें पूरा दाना देते हैं और इनका अच्छी तरह से पेट भर के खिला के इन्हें बंद करते हैं। वो देखिए व्यूअर्स, अब वो गेट तक तो पहुँच गया है और अंदर नहीं जा रहा। ये देखें व्यूअर्स, यानी टोली में रखने वाला है। अब अगर ये अंदर चल जाए गेट में दाना तो डाल देना अंदर ही। ये देखें व्यूअर्स, ये वाला कबूतर है। फिर आज नहीं, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, थोड़ा सा करीब भी आ रहा है। अब जाएगा रेहान, दाना डाल गेट में। चले गया। अरे बाहर आ गया वापस। रेहान अब अंदर चले आएगा क्योंकि उधर कम है कबूतर। चलो रेहान, या तो इसको एक साइड पे दाना फेंक के नहीं उठा ले गुच्छे में अंदर। हाँ अब जाएगा। है वो गेट के पीछे है व्यूअर्स, को भी अगर थोड़ा सा इधर होता तो फिर शायद चले जाता। लेट्स सी, है तो बड़ा सोना है ना व्यूअर्स, बहुत प्यारा कबूतर है ना। हमारे सरदार भाई पंजाब से जो भी देख रहे हैं और पाकिस्तान पंजाब से भी जो भी देख रहे हैं, वो भी हमें बताइए कि कबूतर है तो बहुत सोना ना, क्योंकि पंजाबी में बोलते हैं सोना खूबसूरत को। कितने सारे कबूतर हैं हमारे पास माशाल्लाह से, और लड़ाइयों के लिए हमने फुल तैयारी कर रखी है। जैसे ही सीजन स्टार्ट होगा फौरन से लड़ाइयाँ। अब थोड़ा सा आगे आ जा और आगे आ जा, अब जाएगा। ये देख रहे हैं बस, अब रेहान भूखा हो रहा है ना वैसे, ये गुच्छे में उठाते हैं रेहान भाई, अक्सर जो है गुच्छे में उठाते हैं, यानी कि एक जगह दाना फेंक के एकदम से उठा लेते हैं कबूतर को। लेट्स सी, इस बार फिर रेहान भाई यही ट्राई कर रहे हैं और मुझे लग रहा है इस बार रेहान भाई उठा लेंगे। ये इसने नीचे मुँह किया कबूतर ने, और ये दाना थोड़ा सा बाहर निकल गया, वो एक्चुअली दाना ख़त्म हो गया होगा। अच्छा हमारे कबूतर आ गए थे ज़्यादा। ये दोबारा रेहान भाई ने इसको ढका, अब ये दाना डाला। लेट्स सी देखें, वो दिख रहा व्यूअर्स आपको ब्राउन, और ये पकड़ लिया। सी व्यूअर्स, ये टेक्निक होती है पकड़ने की, अभी हम आपको दिखाते हैं ये कबूतर कैसा है। रेहान बहुत साफ सुथरा लग रहा है, ये किसी का निकला हुआ है ना, और इसके पर जो है वो बिल्कुल क्लीन सारे आए मेरे रेहान, और इसके पर जो है बहुत साफ सुथरे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसके पर झाड़ ख़त्म हो चुके हैं। तो व्यूअर्स देखें, हम आपको दिखा दें, एक्चुअली अभी रेहान भाई के हाथ थोड़े से गीले हो रहे थे, उसमें इसके पर थोड़े से सूख गए, वरना तो बहुत साफ था। और इसकी नेक भी देख लें कितनी प्यारी है, और ये कौन सी नस्ल का कबूतर है, इसको टोली में रखना चाहिए यानी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये कबूतर कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलें तो व्यूअर्स, होप आपने देखा, ये रेहान भाई अभी उसे बंद कर देंगे उधर केज में। आपने देखा हम लोगों ने एक आज कबूतर पकड़ा है,
बहुत दिन बाद। तो व्यूवर्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और ये कबूतर भी अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कबूतर भी आपको कैसा लगा। और हमेशा की तरह हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।